नमस्कार, JNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है। आपको बता दें, बाराबंकी के रामनगर में ब्लॉक प्रमुख के भाजपा प्रत्याशी संजय तिवारी के जीत का दावा किया मंडल अध्यक्ष कमलेश शुक्ला और कुर्मी नेता RC पटेल ने क्या कहा, आइए देखते हैं। बाराबंकी से कुलदीप वर्मा के साथ मयंकर यादव की रिपोर्ट। सच वही जो JNI न्यूज दिखाए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। JNI चैनल, जिस बाराबंकी के रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत उपस्थित हूँ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दौरा लगा हुआ है। हम दिखाना चाहते हैं किस तरह से यहाँ पे प्रमुखी चुनाव चल रहा है, जो कि बहुत टाके कांटे का यहाँ पे भाजपा और बनाम सपा का चुनाव है। और मैं यहाँ पे मंडल अध्यक्ष जी हैं, बात करना चाहता हूँ। हाँ मंडल अध्यक्ष जी, आप बताइए कि चुनाव में आपको प्रमुखी चुनाव में क्या लग रहा है कि क्या कमल खिलेगा? यहाँ पे 100% कमल खिलेगा। हम जो है बहुत ही विशाल वोटों से जीतेंगे। कम से कम हमारी 70 से 80 वोट के बीच में हम पाएंगे। और विपक्षियों का कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपनी यहाँ पब्लिक इकट्ठा की हुई है, जिसका कोई मतलब नहीं है। सारी वोट हमारी है और मैं 100% दावा करता हूँ। रामनगर ही नहीं, हमारे रामनगर विधानसभा की दोनों सीटें हम इस बार चुनाव जीतेंगे। और बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट की जितने भी चुनाव हो रहे हैं, जो निर्विरोध होने के हो गए, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही निकलेंगी। सपा जो है जहां तक देखा जा रहा है बराबर टक्कर दे रही है, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? कोई टक्कर अक्कर नहीं दे रही, कहीं उनका कुछ नहीं है, उनका कोई टक्कर नहीं है। वो सिर्फ बाहर की पब्लिक, किराए की पब्लिक ला के दंगा फसाद करके अपना जनाधार बना रहे हैं कि हम लड़ाई में हैं, और उनका कहीं लड़ाई पे नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं। हमारे बीच में RC पटेल जी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं कि जो 4 सीटों पे 2 भाजपा और 2 सपा ने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा को घोषित हो चुके हैं, उस पर से मैं बात करना चाहता हूँ। अरे ये तो चुनाव है, चुनाव में तो कोई भी जीत सकता है। अगर जनता ने निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना मत दिया है, उन्हें स्वीकार किया है, तो हार जीत हुआ करती है, इसकी कोई परवाह नहीं करता हूँ। बाराबंकी जनपद में कुर्मी समाज, बाराबंकी जनपद में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अब तो यादव बिरादरी भी भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया है। ब्रह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में आज चुनाव हो रहा है। अभी शाम को रिजल्ट आएगा, 11 में 11 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो और जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी होने के बावजूद भी 4 सीटों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रही? चुनाव तो हो गया, 2 भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध हो गए हैं। अरे दिन होता है, रात होती है, परमानेंट दिन नहीं होता, परमानेंट रात नहीं होती। ये तो खेल के मैदान में है, हर गेम को हम कैच करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। दो सीटों पर कहीं तुक्का लग गया समाजवादी पार्टी का, तो गलत फहमी में मत रहे समाजवादी पार्टी। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी को यही बार भारतीय जनता पार्टी धूल चटाने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी बात करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे मंडल जी हैं, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबका साथ सबका विकास से भारतीय जनता पार्टी का नारा है, इसीलिए हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख तो यहाँ है नहीं, परंतु मुस्लिम BDC भी हमारे साथ काफ़ी पुरजोर के ताकत के साथ लगे हुए हैं। और हमारा ब्लॉक प्रमुख आदरणीय संजय तिवारी जी काफ़ी अंतर से आगे निकल रहे हैं और जीत चुके समझ लीजिए एक तरफ से। मंडल जी और RC पटेल जी ने कहा है जो कि अभी शाम तक यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा कि, लेकिन उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पे अपना उम्मीदवार जिता रही है। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह वर्मा, कैमरा पर्सन